राजस्थान राजस्व सेवा संघ शाखा उदयपुर के बैनर तले जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को गोगुंडा तहसीलदार का चार्ज देने के विरोध में राजस्व कार्मिकों ने कलेक्टरेट पर किया प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार सेवा परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि गोगुंडा में तहसीलदार पद खाली होने पर उपखंड कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र चौबीसा को तहसीलदार का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जो कि लिपिक श्रेणी से पदोन्नत होकर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, जबकि तहसीलदार का पद कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पद होता है। ऐसे में लिपिक वर्ग के कार्मिक को तहसीलदार का चार्ज देना न्यायोचित नहीं है। साथ ही बताया कि चौबीसा को राजस्व कार्यों का भी अनुभव भी नहीं है, ऐसे में राजस्व कार्यों में कई खामियां हो सकती है। ऐसे में गोगुंडा उपखंड कार्यालय में कार्यरत नायब तहसीलदार, मूल तहसील के नायब तहसीलदार, नजदीकी तहसील क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार या अन्य तहसील के वरिष्ठतम भू अभिलेख निरीक्षक को गोगुंडा तहसीलदार का चार्ज दिया जाना चाहिए। ज्ञापन में ये भी बताया कि जल्द ही पूर्व में जारी किए आदेश को रद्द नहीं किया गया तो राजस्व कार्मिक कार्य बहिष्कार करेंगे। जी मैम, क्या नाम है और किस तरह का मामला है? जी, मेरा नाम चंदा कंवर गुहिल है। मैं पीटीएस देवारी में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हूँ। वर्तमान में गोगुंडा तहसीलदार का चार्ज अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र जी चौबीसा को चार्ज दिया गया है, जबकि नीरज तहसील में सायरा में आरटीएस नियुक्त है और बड़गांव तहसील में भी आरटीएस नियुक्त है और प्रॉपर गोगुंडा तहसील में नायब तहसीलदार होते हुए अगर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को चार्ज दिया जाता है तो यह संपूर्ण राजस्व परिवार का कहीं कहीं अधिकारों का हनन भी है और उनकी मान हानि भी है। तो इसलिए हमने आज सब मिलकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है इसके विरोध में, क्योंकि यदि नायब साहब नहीं होते तब भी वरिष्ठ आरआई साहब को चार्ज दिया जाना था, जो कि नहीं दिया गया है। तो ये राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम के अंतर्गत भी उचित नहीं है और व्यावहारिक रूप से भी उचित नहीं है, क्योंकि उनसे कई सीनियर लोग हैं जो अब उनसे ऑर्डर लेंगे, जो कि उचित नहीं है।